ऑडिबल एंड विजिबल गाइज ठीक है ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी में तो कोई इश्यू नहीं है राइट अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड ठीक है ओके चलो ओके सो शॉल वी स्टार्ट देन ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी ठीक है चलो ओके सो विल जस्ट

40-45 जितना हो पाएगा उतना तो एज फार एज तुगलक हमने देखा था कि घियासुद्दीन तुगलक इज द फाउंडर एंड आफ्टर घिया सन एंड सक्सेसर जौना खान इज द एक्चुअल नेम बट मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फेमस है तो मोहम्मद बिन तुगलक एंडर आफ्टर हिज फाइव इम्पोर्टेंट मेजर्स एंड वाई दो इम्पोर्टेंट मेजर्स आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बट एट दोजर्स नॉट इम्प्लीमेंटेड तो ऐसी क्या गलतियां की थी एम ने वो हमने देख ली थी is, also, कि ये वाले जो किंग जो है, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता यूपीएससी कुछ पूछेगा भी बट दिस आर बेसिकली कंसिडर एज अ लेटर तुगलक रूलर जो इनसिग्निफिकेंट है इसके लिए फिर इनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते तो लेट्स स्टार्ट फिरोज शाह तुगलक 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 बट अगेन जाने से पहले अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर बताओगे यार पी मैंने बताया राइट क्रक्स एंड पीपीटी जो रात तक ही अभी अपलोड हो पाएगी ओके okay? बिकॉज बहुत ही ज्यादा बर्डन है फिलहाल टीम के ऊपर तो उसकी वजह से फिर वो रात को ही अपलोड हो पाएगा येस्टर्डे भी थोड़ा सा देर हो गया था राइट टेन ओ क्लॉक के अराउंड कुछ अपलोड हुई थी आज भी वही टाइम पकड़ के चलो एक नाइन टेन ओ क्लॉक के अराउंड पीपीटी एज वेल एज क्रक्स दोनों अपलोड हो जाएगा ओके या ओके

टैकल करने के लिए अल्टीमेटली एफ एस टी फिरोज शाह है उसने भी कुछ मेजर्स किए थे अब उसी के बारे में सारे के सारे देखने हैं तो इसके पीपो, सामने चैलेंजेस कौन से थे देन सर्टन रिवॉल्ट एंड रिबेलियन ये रिवॉल्ट एंड रिबेलियन हमेशा से ही हुए है ये कॉमन क्लीच पॉइंट है जो आप कहीं पर भी चिपका सकते हो अलतमिल के टाइम पे बालबान के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी एंडर एम बीटिंग ये चारों के टाइम पे हमने देखा था कि जब भी नया सुल्तान आता है रीजनल रिवॉल्व जो है वो सुल्तनत में होते ही थे एक होता था बंगाल के अराउंड दूसरा होता था गुजरात के अराउंड तो इसके लिए भी वही वाला प्रॉब्लम था कि गुजरात गुजरातर बंगाल वाला एरिया जो है वो रिवॉल्व कर गया था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेक्कन सिंध में भी बेसिकली लोकल लेवल के रिवॉल्व जो है वो हो रहे थे देर वॉज डिसकंटेंट अमॉन्ग पीपल ऑल्सो एंड पीपल में भी हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो भी एंग्री था सबसे पहले तो पीजेंट्स वेर एंग्री राइट पीजेंट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अग्रेरियन मेजर ऑफ द एमबीटी समथिंग दैट पीजेंट्स डिड नॉट लाइक एंड दैट्स व्हाई फिर पीजेंट वेर एंग्री ड्यूरिंग द रेन ऑफ द एमबीटी देर आफ्टर हमने देखा था कि जो कोर्ट वाले जो सेक्शन थे वो भी अपसेट थे प्रिसाइजली उलेमा एंड डर आफ्टर काजी जो कंजर्वेटिव सेक्शन था वो अपसेट था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो नोबल जो थे दैट इज आमिर ये लोग भी जो है अपसेट थे बिकॉज ऑफ द पॉलिसी एज फर एज उमा काजी था था, एक एक लाइन में याद रखना है उलेमा का मतलब होता है इस्लामिक स्कॉलर एंड इन दैट कैपेसिटी ये इस्लामिक लॉ के इंटरप्रेटर भी होते हैं काजी जो है वो जस्टिस डिलीवरी या फिर जज का काम करता है एज फर एज इस्लामिक जुडिशरी कंसर्न तो ये जो काजी एंडर आफ्टर उलेमा वाला जो सेक्शन है ये कंजर्वेटिव सेक्शन है कोर्ट का अब जैसे हिंदू किंग जब होता था तो ऑब्वियसली नारद स्मृति मनुस्मृति ये लॉ चलते थे एंड फिर सेक्शन इसका इंटरप्रिटेशन देता था वैसे इस्लामिक रूल जब होगा तब कुरान एंड शरिया चलेगा एंड फिर कुरान एंड शरिया का भी तो इंटरप्रिटेशन देने के लिए कोई तो आपको लगेगा ये इंटरप्रिटेशन कौन देता था देन ये देते थे उलेमा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन अल्टीमेटली काजी जो है ये बेसिकली क्या करते थे तो जस्टिस डिलीवरी का काम जो है करते थे तो काजीज काजी जज तो इनका इन्फ्लुएंस कोर्ट में रिड्यूस हो रहा था बिकॉज ऑफ द मेरिटोक्रेटिक पॉलिटिक्स और द मेरिटोक्रेटिक पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक हमने देखा था कि एमबीटी की जो पॉलिसी थी वो मेरिटोक्रेसी बेस्ड थी जिसके वजह से फिर लॉट्स ऑफ नॉन इस्लामिक एलिमेंट जो कोर्ट में बढ़ चुके थे एंड जिसके वजह से फिर ये कंजर्वेटिव सेक्शन अपसेट था फिर आमिर जो है ये भी बेसिकली अपसेट थे ये आमिर अपसेट क्यों थे बिकॉज मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ पॉलिसीज की थी जिसमें सबसे पहले तो मेरिटोक्रेसी के वजह से जो एस्टैब्लिश नोबे मैन जो थे दरबारी जो थे ये एस्टैब्लिश या फिर दरबारी जो है ये बेसिकली अपसेट हो चुके थे सबसे पहले एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आमिर जो थे वो अपसेट थे बिकॉज ऑफ अदर पॉलिसीज ऑफ दी एमबीटी जिसमें वो मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू जो है सेंट्रलाइज बेसिकली करवा रहा था तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो थी वो भी बेसिकली अपसेट थी फिर जो है ये वाले लोग भी जो है अपसेट थे फिर यही लोगों को बेसिकली हैंडल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगनक ने इनिशियल लेवल पे कुछ चीजें की ना जो फर्स्ट वाला जो फेस है उसके जो कैंपेन है दिस इज ओनली फॉर ऑप्शनल इसको जीएस में कवर अप करवाने की कोई जरूरत नहीं है कि कहाँ पे गया कौन से वॉरफेयर खेले कौन सा टेम्पल लूटा बट ऑब्वियसली जब किंग आएगा तो किंग आने के बाद किंग क्या करेगा देन गुजरात एंड बंगाल वाला जो एरिया है उसको पेसिफाई या फिर शांत करने की कोशिश करेगा यह प्रोसेस हम लोगों ने पहले लेक्चर से ही देख के रखी है कि दिल्ली दिल्ली के बाद में फिर आप सराउंडिंग एरिया दैट इज रोहिलखंड राजपुताना एंडर आफ्टर फिर बंगाल एंडर आफ्टर गुजरात

वो वही वाले थे सिंध वाला कैंपेन मतलब गुजरात के अराउंड एक कैंपेन किया एंडर आफ्टर बंगाल के अगेंस्ट इसने दो कैंपेन किए थे जस्ट ऊपर से याद रखना है कि ये जो दोनों कैंपेन मिजरेबली फेल हो गए सुल्तान जो है जब वहाँ पे जाता था तो ऑब्वियसली चीज़ें शांत हो जाती थी सुल्तान दिल्ली में जैसे ही वापस आया देन लोकल लेवल पे रिवॉल्व जो है वो वापस आ जाते थे एंड फिर इन दैट कैपेसिटी सुल्तान आफ्टर एट टू नाइन ईयर्स ऑफ हिज मिलिट्री एक्सपीडिशन करियर रियलाइज कि भाई ये जो एक्सपीडिशन वाली जो चीज़ें है या फिर जो मिलिट्री चीजें जो है वो अपने बस की बात नहीं है एंड दैट्स व स्टार्टिंग फ्रॉम थर्टीन हंड्रेड एंड सिक्सो शाह तुगलक एफ टी ने अल्टीमेटली जो मिलिट्री एक्सपीडिशन जो है उसको गिव अप करना चालू कर दिया कि भाई इसके ऊपर नहीं जाएंगे ये करने की एस कोई जरूरत नहीं है बट ऑब्वियसली ही वॉन्टेड टू डू इट बिकॉज जब आप ये चीज़ें करोगे तो सबसे पहले आप टेम्पल डिस्ट्रक्ट करोगे जिसकी वजह से काजी एंडर आफ्टर उलेमा सेक्शन शांत हो जाएगा जब आप मिलिट्री एक्सपेडिशन करते हो देन ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा ट्रिब्यूट आएगा जिसकी वजह से आमिर जो है वो शांत रहेंगे एंड तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग है जब दिल्ली की पोजीशन आपकी कंसोलिडेटेड रहेगी सराउंडिंग नोबल मैन जो है वो आपके अंडर रहेंगे देन ऑब्वियसली यू कैन रूल फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम तो ऑब्जेक्टिव तो इसके अच्छे थे दैट अल्टीमेटली मिलिट्री एक्सपेडिशन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाए बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ मिलिट्री कमांडर

तो री इनविंट या फिर री में क्या किया जितने भी सेक्शन अपसेट थे अब उनको खुश करना चालू कर दिया एक-एक करके पढ़ना है इसके बारे में बट इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इसको आप पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट भी बोलोगे कि अगर उलेमा काजी अपसेट है उनके लिए कुछ करेंगे अगर ऑर्थोडॉक्स सेक्शन में आमिर मतलब नोबेलमैन अपसेट है उनके लिए कुछ करेंगे या फिर उसके अलावा पीजेंट अपसेट है तो उनके लिए भी कुछ करेंगे तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है इसको आप पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट बोलोगे कि मल्टीपल सेक्शन इन द सोसाइटी वेयर अपसेट फिर ये अपसेट एंड सेक्शन को खुश करने के लिए अल्टीमेटली ही वेंट ऑन टू द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट तो ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो है यही जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे इसको वी विल नॉट बी कवरिंग इट अप बिकॉज बहुत ही फिर ज्यादा ओवरबर्डनिंग वाली बात हो जाएगी जितना मैंने बताया ऊपर ऊपर से याद रखो प्रिलम्स में तो कुछ भी नहीं पूछेंगे बट मेंस में हो सकता है कि अगर क्वेश्चन आया देन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि दो बंगाल के कैंपेन एक सिंध वाला कैंपेन एंड फिर उसी के बीच में जाज नगर मतलब ओरिसा का कैंपेन इन ऑर्डर टू लुडी टेम्पल तो देर आफ्टर फिर रिफॉर्म इन द रेवेन्यू सिस्टम तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है तो so, सबसे पहले अपीजमेंट में जो इसका प्राइमरी फोकस था वो था मेजोरिटी द पॉपुलेशन थी तो फिर अब ये जो जो था अब उनको खुश करने के लिए कुछ करना है तो रिफॉर्म इन द रेवेन्यू एंड टैक्सेशन सिस्टम तो सबसे पहले तो उसने क्या किया जो सोधर एंड तक लोन जो एमबीटी के टाइम पे हमने देखा था कल वाले लेक्चर में जो इसने दिए थे ये सारी जो चीजें जो है ये सोंदर एंडर आफ्टर तक का लोन है ये उसने कैंसिल आउट करवा दिया कैंसल आउट करवाने के पीछे का रीजन वही था पीजेंट अबसेट है अब पीजेंट के पास जाके उनसे ये लोन रीपेमेंट करवाने की बात करेंगे देन ऑब्वियसली गड़बड़ हो जाएगी एंड डेट साइ फिर अल्टीमेटली उसने लोन जो दिए गए थे सोंदर एज वेल एज तकका भी दोनों को कैंसल आउट करवा दिया दैट वॉज द फर्स्ट मेजर दैट ही हैड बेसिकली अंडर सेकेंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वॉज ऑब्वियसली रेवेन्यू तो रेवेन्यू के बारे में लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि ये इलाली असेसमेंट जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था एज द यूनिट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद एम जो है उसने असेसमेंट वाली टेक्निक कंटिन्यू रखी थी बट इसका प्रॉब्लम वही होता था कि हर साल आके असेसमेंट करवा के जो फार्मर से जो रेवेन्यू जमा के करवाया जाता था उसके वजह से भले ही ऑन पेपर रेवेन्यू रेवेन्यून थर्ड से लेके वन फिफ्थ हो बट एक्चुअल में रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट का वसूला जाता था ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हमने बात की थी इसकी तो उसका भी पीजन को प्रॉब्लम था एंड अल्टीमेटली फिरोज शाह तुगलक जो है उसने अल्टीमेटली अपने जो फाइनेंस या फिर रेवेन्यू मिनिस्टर है दैट इज हसीमुद्दीन उनको एक टास्क दिया था कि जस्ट गो एंड आइडेंटिफाई फिर अल्टीमेटली इसका एक एस्टिमेट जो है वो सुल्तान को दिया ये एस्टिमेट बहुत प्लेन एंड सिंपल था कि ईयरली जो है हम लोगों को हमारा जो पूरा किंगडम है उससे आने चाहिए कितने तो सिक्स करोड़ सेवेंटी फाइव लैख टन का तो सिक्स पॉइंट 75 करोड़ रुपीस जो है वो ईयरली स्टेट को आने चाहिए कहां से तो पीजन से फार्मिंग सेक्शन से एंड फिर ये वाला जो पर्टिकुलर डिमांड ऑफ स्टेट जो है ये थ्रू आउट द Reign ऑफ द फिरोज शाह तुगलक उसने कंटिन्यू रखा मतलब 5013 56 में एफएसटी ने ये वाला रेट बताया एंड फिर एफएसटी ने यही वाला रेट टिल हिज डेथ कंटिन्यू रखा तो यू कैन क्लियरली सी फॉर ऑलमोस्ट थर्टी ईयर्स देर वॉज नो एनहैंसमेंट ऑफ द टैक्सेशन एज फार एज एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इज कंसर्न तो सेंटर को सिक्स पॉइंट सेवेंटी फाइव करोड़ रुपीज आने चाहिए एंड फिर ये पर्टिकुलर डिमांड जो है ओके ईच एंड एवरी पीस ऑफ लैंड में डिवाइड किया गया एंड फिर हर एक फार्मर को एक डिजिट दिया गया कि भाई इतना रेवेन्यू ईयरली आपसे आना चाहिए बट ये हमने आपको बताया तो उसके बाद ना इयरली असेसमेंट होगा ना एनहैंसमेंट ऑफ द टैक्सेशन होगा तो so ये टैक्सेशन वाला जो रेट है ये अलाउद्दीन खिलजे एंड जब हमने बात की थी अलाउद्दीन रीड एनफोर्स किया गया था एसेसमेंट मैकेजम आफ्टर हाफ वैसे ही एमबीटी के टाइम पे भी एमबीटी के टैक्सेशन हायर थे एंड एम बी टी ने भी इसको एनफोर्स करने की कोशिश की थी बिकॉज ऑफ विच अल्टीमेटली फार्मर जो है वो अपसेट हुआ वो उनको शांत करने के लिए सबसे पहले तो उनको लोन माफ कर दिया एंड आफ्टर उनका जो रेवेन्यू का जो डिमांड है इट वॉज बेसिकली फिक्स इन परपेचुटी जब तक सुल्तान है तब तक उतना ही रेट रहेगा तो दिस इज समथिंग दैट इज वी कैन क्लियरली कंसिडर अल उसके मेजर फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है दैट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज बेसिकली आपके काजी एंड उलेमा तो so, आपको काजी एंड उलेमा को भी बेसिकली सैटिस्फाई करना है काजी एंड उलेमा भी अफसेट थे

उनको एबॉलिश कर दिया उसने एंड उसने जितने भी कुरानिक टैक्सेस हैं उसी को इम्प्लीमेंट किया एक्सेप्ट okay? जो टैक्सेस जो है वो बेसिकली शरिया में जो है डिबेटेबल है बट इन दैट कैपेसिटी उसनेट कर लिए आफ्टर इससे उसने पैसा भी लाया था तो एक, -एक करके देखेंगे सबसे पहले वाला जो है दैट इज बेसिकली खराज तो खराज एंड खराज के साथ साथ अल्टीमेटली ये जो जिजिया जो है ये दोनों टैक्सेस हम लोगों ने देख लिए थे ये खराज एंड जिजिया जो है इंडिया में सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने का काम किसने किया था यानी किया था मोहम्मद बिन कासिम ने तो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे उसने अपनी पॉलिसीज ऑफ जिम्मी बनाई थी एंड अंडर जिम्मी वाली पॉलिसी ये मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले बताया था कि उशरफ इज अ लैंड टैक्स दैट इज बेसिकली अवेलेबल इन द कुरान तो उशरफ जो है वो बेसिकली इस्लामिक लोगों के ऊपर लगने वाला लैंड टैक्स है तो उशरफ के अलावा हम लोग खराज नाम का एक नया टैक्स लाएंगे एंड ये जो खराज वाला टैक्स है वो नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन के ऊपर लगाया जाएगा एंड खराज हायर होगा एंड इट वॉज ट्रेडिशनली कंसिडर कि खराज के अंडर ही जजिया का एक कॉम्पोनट था बट इसने दैट इज बेसिकली एफ एस टी ने अल्टीमेटली क्या किया जजिया जो है वो बेसिकली सेपरेट लगाना चालू कर दिया तो सेपरेट लगाना चालू किया मतलब

कि विलेज में जाके नॉन हिंदू पॉपुलेशन नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन के ऊपर आप ये टैक्स कैसे लगाओगे एंड आफ्टर कैसे इसको वसूलोगे एंड फिर इन दैट कैपेसिटी इसने क्या किया एक नया इनोवेटिव मेथड लाया कि जिजिया कहाँ पे कलेक्ट होगा तो जो पिलग्रीमेट सेंटर है उसके डोर स्टेप पे एंड दैट्स ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइमिया को पिलग्रीमेट टैक्स के नाम से भी जाना जाने लगा तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू जिजिया बट इसके बारे में हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी बात की है कि जिजिया जो है इट वॉज बेसिकली बून फॉर द हिंदू पॉपुलेशन रैदर देन निगेटिव एस्पेक्ट क्यों बिकॉज जिजिया था इसके लिए हिंदू रिलीजन अल्टीमेटली सवाई हुआ वरना एस सच टू इस्लामिक रूल में या फिर इस्लामिक सल्तनत में और कोई भी रिलीजन टिक पाना हमेशा से मुश्किल था बट दिल्ली में सुल्तानों या फिर मुगलों दे ऑलवेज बिलीव इन दिस एस्पेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू इस्लामिकली अलाउड टू लीव ओवर हियर बट एज अकेंड क्लास सिटीजन एंड उसमें भी उनको प्रोटेक्शन मनी देना है एंड दैट प्रोटेक्शन मनी वॉज अ काइंड ऑफ दी जिजिया इज समिंग डैट वी कैन कंसिडर देर आफ्टर फिर एक जकत नाम का भी टैक्स है तो ये जकत नाम का जो टैक्स है ये बेसिकली क्या है तो हायर या फिर रिचर इस्लामिक सेक्शन है उनके ऊपर ये टैक्स लग गया लगता है 2.5 परसेंट का टैक्स होता है जिससे पैसा आएगा एंड फिर ये पैसा है उसका क्या करेंगे तो जो पुअर इस्लामिक सेक्शन है उनके वेलफेयर के लिए ये वाला पैसा जो है वो लगाया जाएगा दर आफ्टर खाम्स ये खाम्स भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी वॉरफेयर होता है देन ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जो सोल्जर जो है पर्टिकुलर एरिया को जाके लूटने का काम करते हैं लूट के आने के बाद अल्टीमेटली वो लूटा हुआ पैसे का क्या होता है तो पहले तो वो पैसा आपको ट्रेजरी में जमा करना पड़ता है ट्रेजरी में जमा करने के बाद अल्टीमेटली सुल्तान को एक परसेंटेज जाता है एंड सोल्जर के बीच में एक परसेंटेज जाता है जिसको आप बोलोगे खाम्स तो जो जो होता है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉर बूटी इन बिटवीन सुल्तान एंड सोल्जर तो ये खाम जो है ये भी उसने कंटिन्यू रखा था एंडर आफ्टर फिर हक ए शर्ब तो हक ए शर्ब इज बेसिकली इरीगेशन टैक्स है किसका तो ऑब्वियसली सुल्तान फिरोज तुगलक का तो हक ए शर्ब इस फॉर द इरीगेशन मेथड इरीगेशन मेथड जो है या फिर इरीगेशन डेवलपमेंट जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक्रॉस डेली के अराउंड करके रखे थे आपका जो वेस्टर्न यमुना कनाल है जो दिल्ली में आज भी मिलता है आपको यमुना का पानी हरियाणा में जो डाइवर्ट करता है ये वेस्टर्न यमुना कनाल का इनिशियल वर्जन जो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था एंड फिर इन दैट कैपेसिटी अपने इरिगेशन के लिए जहां जहां पे इरिगेशन का पानी जा रहा है वहां पे वो 10 परसेंट एडिशनल टैक्स भी लगाता था जिसको आप बोलोगे हक ए शर तो बेसिकली ये जो टैक्सेस जो है ये वाले सारे टैक्सेस जो उसने नॉन इस्लामिक टैक्सेस है बेसिकली जो कंटिन्यू रखे थे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस पर्टिकुलर मेजर के वजह से अल्टीमेटली अफीफ उसने स्टेटमेंट भी दिया था कि सुल्तान के वजह से अल्टीमेटली पूरे के पूरे एम्पायर में प्रोस्पेरिटी आए कितनी तो हर एक घर में आपको ग्रेन प्रॉपर्टी हॉर्सेस एंड फर्नीचर जो है वो मिलेगा तो वी कैन क्लियरली सी अल्टीमेटली जो पीजेंट को सेटिस्फाई करने के लिए एंड अल्टीमेटली ये जो आपके कंजर्वेटिव सेक्शन इसको करने के लिए उसने जो अपीजमेंट वाले जो मेजर लिए थे वो काफी हद तक सक्सेस भी हुआ एंड कंटेम्परे हिस्टोरियन हम लोगों को तो वही बताते हैं आफ्टर फिर भी जो है वो अपसेट थे देखा था जो आमिर जो होते हैं वो बेसिकली नोबल मैन होते हैं इनके कॉम्पोजिशन के बारे में भी मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था एक होता है आमिर ए साधा एक होता है आमिर ए हजारा फिर इनके ऊपर आता है मलिक एंड मलिक के ऊपर आता है खान तो खान जो है इट वॉल बेसिकली हाइस्ट टाइटल गिवन टू द नोबल मैन ऑफ सल्तनत तो खान खान के नीचे मलिक मलिक के नीचे आमिर ए हजारा एंड फिर आमिर ए साधा ये अलग अलग टाइटल होते थे रैंक होते थे जैसे आपके अभी के लिए कैबिनेट मिनिस्टर फिर उसके नीचे आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेप्यूटी मिनिस्टर एंड फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी राइट तो वैसे ही बेसिकली कैटेगरी थी इनकी तो सबसे ऊपर खान खान के नीचे मलिक मलिक के नीचे आमिर हजारा आमिर हजारा के नीचे आमिर अपॉन द नंबर ऑफ द सोल्जर जो आपके अंडर सर्व कर रहा है ओके okay, तो इन दैट कैपेसिटी जो खान होते थे उनके पास हमेशा से पांच हजार से ज्यादा सोल्जर काम करते थे मलिक जो होते थे उनके पास रफली टू थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड के बीच के सोल्जर काम करते थे आमिर ए हजारा एज द नेम सजेस्ट Approximately thousand के के सोल्जर इनके अंदर काम करते थे एंड फिर approximately दस से लेके पांच सौ के बीच के अगर सोल्जर आपके नीचे काम कर रहे हैं देन आप बन जाओगे आमिर सादा तो ये लोग भी अपसेट थे ये लोग अपसेट क्यों थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी से तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो पॉलिसी है वो यही थी दैट इज खाम्स राइट तो जो खान जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फोर फिफ्थ तक का अपने पास रखता था अब फोर मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट परसेंटेज हो जाता है राइट तो ऑलमोस्ट परसेंट ऑफ द बूटी सुल्तान को जाएगी एंड आफ्टर ट्वेंटी परसेंट बूटी जो है वो सोल्जर मतलब आमिर में डिवाइडेड होंगी तो इसके वजह से हमेशा से नोबिलिटी जो है तो मोहम्मद बिन तुगलक से अपसेट थी अपार्ट फ्रॉम दैट उसने जो मेरिटोक्रेसी प्रमोट की थी उसके वजह से जो हिंदू सेक्शन नोबिलिटी में बढ़ रहा है वो भी बेसिकली अपसेट था तो इन ऑर्डर टू अपीस दिस आमिर ओके अल्टीमेटली फिर एस एस टी ने दट इज फिरोज शाह तुघलक ने क्या किया अपनी जो पॉलिसी जो है वो इनके फेवर में कर दी सबसे पहले तो इसने जो सिंध कैंपेन किया था गुजरात के अराउंड वाला कैंपेन तो उसमें उसने बोला था कि जो भी बेसिकली सिंध कैंपेन में आएगा मेरे साथ तो उनकी जो भी इकताज जो है उनको जो मिले हैं वो उनके बेटों को मतलब सन को ट्रांसफर किया जाएगा देर आफ्टर वन सी वॉज बैक समवेयर अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड एंड सिक्सटी सॉरी थर्टीन हंड्रेड उसने ये भी डिक्लेयर कर लिया था कि अगर कोई इकतेदार मरता है तो ऑब्वियसली उसका लैंड मतलब जो इकता जो है वो उसके सन के पास जाएगा अगर सन नहीं होगा

वहां पे अब एक नया ओनर है एंड फिर वो ओनर डिसाइड करेगा आपके साथ उसको कोई रिलेशन रखना है या नहीं रखना है सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब आपने हेरेडिटरीशिप ला दी तो आपने इंसेंटिवाइजेशन भी निकाल दिया अगर से फॉर एग्जाम्पल मुझे जमीन मिली है राजस्थान के अराउंड तो मैं अच्छा काम करूंगा वाई बिकॉज मुझे जमीन चाहिए गंगा वैली के अराउंड वहीं पे सबसे ज्यादा पैसा है बट अगर वहां की जमीन अब हेरेडिटरी बेसिस पे चली गई देन फिर वो लोग भी ठीक से काम नहीं करेंगे बिकॉज कोई इंसेंटिव नहीं बचाए राजस्थान वाला बंदा भी ठीक से काम नहीं करेगा बिकॉज कोई इंसेंटिव नहीं बचा एंड फिर हुआ भी वही एंड दैट इज बेसिकली द डिसएडवांटेज और द निगेटिव इम्पैक्ट एंड अल्टीमेटली कल ही मैंने आपको बताया था कि जो एम बी टी के जो मेजर जो है एग्रेरियन मेजर वो बेसिकली इसने कंटिन्यू रखे थे एंड फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट अल्टीमेटली इसने जो है इरीगेशन मेथड जो है वो डेवलप की नए कनाल इसने डेवलप किए इसने अपनी कुछ नई सिटीज बनाई थी दिल्ली के अराउंड एंड फिर ये वाले एरियाज में इसने एग्रीकल्चर जो है उसको प्रमोट करने का भी काम किया सबसे पहले तो सुपीरियर वराइटी ऑफ द क्रॉप इसने प्रमोट की दर आफ्टर इसने जो है ऑर्चार्ड भी प्रमोट किए ऑर्चार्ड से एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है इसके लिए चालू हुआ एंड अल्टीमेटली इसने जो पहले वाला टैक्सेशन मेथड जो है यही वाला 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 रखा। तो तो करोड़ करोड़ ये अगर कोई भी फार्मर होगा तो फार्मर से इतना ही पैसा लिया जाएगा जो वन थर्ड ऑफ द प्रोड्यूस होगा एंड जो इतना पैसा अल्टीमेटली सारे लोगों से सरकार को या फिर सेंटर को दिया जाएगा तो दिस इज समथिंग अल्टीमेटली रिलेटेड टू द रिफॉर्म्स इन दी एग्रीकल्चर दर आफ्टर फिर इसके पब्लिक वर्क सिर्फ नाम नाम याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटी है फतेहाबाद हिसार एंड फिरोजपुर ये इसने बनाई थी इसने कुछ इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल बनाए थे कहां पे तो तो दिल्ली वाले एरिया में कुछ के नाम भी हमको पता है दारुल एंड एंड आफ्टर कहाफा खाना ये बेसिकली इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल बनाए थे इसने एंड दिस बेसिकली हॉस्पिटल जो फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल थे तो कोई भी अगर गरीब बंदा है जो बेसिकली मेडिकल हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकता ही कैन कम इन टू दिस हॉस्पिटल ऑफ सुल्तान एंड ही कैन अवेल द फ्री मेडिकल हेल्थ केयर एंड फिर एजुकेशनल सेंटर भी काफी इंपॉर्टेंट है तो एज फार एज इस्लामिक एजुकेशन सेंटर बेस याद रखो एक होता है एलिमेंट्री एजुकेशन एक होता है हायर एजुकेशन तो इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम में ये जो एलिमेंट्री एजुकेशनल सिस्टम है वो मकताब देता है हायर एजुकेशनल सिस्टम है वो कौन देगा तो ये देगा बेसिकली मदरसा अगर आप हिंदुओं की बात करें तो ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगा तो ट्रेडिशनली इसको आप पाठशाला बोलोगे तो ये पाठशाला जो है बेसिकली गुरु के मठ में मिला मिलेगा आपका तो ब्राह्मण लोगों का जो मठ होता है वहां पे आपको जाना पड़ेगा एंड जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए आपको विश्वविद्यालय मिलेंगे दैट इज यूनिवर्सिटीज मिलेंगी राइट तो ट्रेडिशनली आपने तक्षशिला यूनिवर्सिटी सुनी होगी उसके बाद में आपने काशी बनारस यूनिवर्सिटी सुनी होगी उज्जैन की यूनिवर्सिटी सुनी होगी तो ये ट्रेडिशनली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे बट इन एनी केस इसके बारे में अब एंशेंट इंडिया में हम बात कर चुके हैं कि इट वॉज डोमिनेटेड बाई द ब्राह्मणाजनली अल्टीमेटली ब्राह्मणास के पास मोनोपोली हुआ करती थी एजुकेशन की बट एज फार एज इस्लामिक एजुकेशन इज कंसर्न देन मक्ता एंड आफ्टर मदरसा जो है वो बेसिकली इस्लामिक सेक्शन के लिए टोटली totally ओपन थे इन द इनिशियल फेज बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई बंदा गरीब है इस्लामिक बंदा उसको बस डिनाई किया जाता था अगर कोई बंदा रिस्फोर्सफुल होगा पैसे वाला होगा तो ही उसको बेसिकली यहाँ पे एजुकेशन जो है वो दिया जाएगा एंड फिर ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो मकताब के अंडर होता था ये मकताब इज नथिंग बट अ मॉस्क तो हर एक पर्टिकुलर मॉस्क जो है वो मॉस्क के साथ साथ मकताब मतलब ट्रेडिशनल एलिमेंट्री एजुकेशन देने का काम जो है वो भी करता था एंड आफ्टर फिर हायर लेवल पे मदरसाज जो होते थे ये यूजली कैपिटल सिटीज में ही बनते थे तो जो बड़े बड़े मदरसाज है वहां पे आपको हायर एजुकेशन जो है वो दिया जाएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखना कि पढ़ाया क्या जाता था तो बेसिकली यहां पे अरिथमेटिक दर आफ्टर रीडिंग एंड आफ्टर राइटिंग ये कॉमन एलिमेंट है जो बेसिकली हिंदुओं में भी मुस्लिम में भी दिखे है. बस एक एडिशन है हिंदुओं को बेसिकली वेदास का भी नॉलेज दिया जाता था एज फार एज इस्लामिक इनको कुरान का नॉलेज दिया जाता था तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है इंडिया की तो ये जो एजुकेशनल सेंटर है दैट इज मॉस्क एंड आफ्टर फिर कॉलेजेस तो ये सब बनाने का जो काम है ये भी इसने किया था तो मॉस्क जैसे ही बनेंगे तो मॉस्क के साथ साथ आपका मकताब बनेगा एंड एंडर आफ्टर फिर हायर लेवल पे आपके मदरसा जो है वो भी कैपिटल सिटीज में इसने बनाने का काम जो है वो किया था एंड आफ्टर फिर रिलीजियस पॉलिसीज में अल्टीमेटली एनालसिस भी है कि ही इज एन आइडियल मुस्लिम किंग तो एज एन आइडियल मुस्लिम किंग अल्टीमेटली वी कैन क्लियरली सी ओके कि उसने जो है बेसिकली अपने कैंपेन में हमेशा से ही मुस्लिम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है उनको अपीज करने का काम किया है तो बेसिकली इसने बहुत लार्ज स्केल लेवल पे ग्रांट जो है वो मुस्लिम सेक्शन को दिए है आफ्टर वी हैव ऑलरेडी सीन कि अल्टीमेटली जितने भी टैक्सेशन जो है वो शरिया के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट सर्टन टैक्सेस एज फार एज पॉलिसी टूवर्ड्स हिंदूज आर कंसर्न

बिकॉज़ सुन्नी ऑर्थोडॉक्स कुरान एंड आपको फॉलो करना है एंड अल्टीमेटली फिर खलीफा ऑफ इजिप्ट जो था उसके साथ इसके अच्छे रिलेशन थे एंड उसके नाम के कॉइल जो है वो भी उसने दिल्ली में इशू करके रखे थे दिस वॉज बेसिकली वन ऑफ दू शो हिमसेल्फ एज दपोर्टर ऑफ द पैन इस्लामिक फ्रैटर्निटी तो पैन इस्लामिक फ्रेटर्निटी है हम लोग ये दिखाने की कोशिश भी इसने की थी तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द वी कैन से दैट एंड दैट्स फिर इसको एक आइडियल मुस्लिम किंग भी बोला जाता है एंड आफ्टर फिर जुडिशियल रिफॉर्म जो इसने किए थे ये भी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो जो सिवियर पनिशमेंट थी वो उसने सारी बंद कर दी जैसे कटिंग ऑफ द लिम्स फॉर द पिटी क्राइम देर आफ्टर फिर अल्टीमेटली इसके जो जुडिशियल रिफॉर्म जो थे उसके वजह से लोगों में भी इसका जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ा में बेसिकली जो डर है वो कम होगा एंड अल्टीमेटली लोग जो है, है हिंदू होंगे या फिर मुस्लिम होंगे ये हिंदू या फिर मुस्लिम लोगों में ट्रेडिशनली ही जो इनके लॉज है बेसिकली अगर हम हिंदू लॉज बोले वेदा या फिर पुराना एंड फिर इनसेसोसिएटेड धर्मशास्त्र एंड दर आफ्टर धर्म, धर्म स्मृति तो ये जो धर्मशास्त्र धर्मस्मृति वेदास पुराणाल जो है ये वर्ण बेस्ड लॉज है मतलब ब्राह्मणा एंड दर आफ्टर क्षत्रिया को कम पनिशमेंट होगी एंड सीवियर पॉसिबल पनिशमेंट किसको होगी तो ऑब्वियसली शूद्रा को एंड दर आफ्टर वैश्यास को होंगी तो दैट्स आप ये वाली चीज जो करोगे जैसे सिवियर पनिशमेंट आप बंद करोगे तो उसका फायदा किसको होगा ऑब्वियसली यह सेक्शन को होगा एंड फिर ये मेजोरिटी सेक्शन है एंड सेम हैपन ओवर हियर मुस्लिम में हमेशा से ब्लड मनी चलता है ब्लड मनी का कंसेप्ट जो मुस्लिम या फिर इस्लामिक लॉ में बहुत प्लेन एंड सिंपल है कि आपका क्राइम कितना भी हाई हो अल्टीमेटली अगर आपने ब्लड मनी पे किया मतलब रिक्विसाइड अमाउंट ऑफ मनी अगर पे किया देन यू कैन बाय द जस्टिस मतलब आप जो वो पर्टिकुलर क्राइम से छूट सकते हो एंड फिर दैट्स फिर जो सीवियर पॉसिबल पनिशमेंट है वो लोअर सेक्शन ऑफ इस्लामिक पॉपुलेशन को ही लगती थी जो अगेन मेजोरिटी में था एंड जब आप ये वाले मेजर करोगे लाइक like, पनिशमेंट uh, आपके इसमें बंद करोगे तो ऑब्वियसली आपको मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन का जो है सपोर्ट मिलेगा एंड फिर अल्टीमेटली उसने जो अपने कोर्ट है उसमें उल्लेमा काजी जो है इनका रोल भी बढ़ाया था एंड अल्टीमेटली जो अपने उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज दैट कि जब भी लोकल लेवल पे कोई भी अन आइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो मिलेगी तो वो अन आइडेंटिफाइड बॉडी जो है आप तब तक उसका दफन नहीं करोगे या फिर तब तक उसको क्रीमेट नहीं करोगे जब तक लोकल लेवल का काजी या फिर मुफ्ती जो है वो उसको देख के सर्टिफाई ना कर दे कि भाई उस पर्टिकुलर बंदे की मौत है वो नेचुरल है तो अगर कोई अन्यचुरल डेथ होती है आपके अंडर तो फिर ऑब्वियसली आपको उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा तो लोकल लेवल तक इसने काजिया नुलेमा का इन्फ्लुएंस जो है इंडिया में बढ़ाया था एंड वहां से लेके फिर पूरा का पूरा सेंट्रल लेवल तक ये इन्फ्लुएंस हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दिया है एंड आफ्टर अल्टीमेटली इसने अपने लिए एक स्लेव डिपार्टमेंट भी बनाया था जिसको ये दीवाने बंदागन बोलता है एंड फिर ये दीवाने बंदागन के पास एक ही टास्क था कि जितने भी इम्पोर्टेंट वाले जो ये है दैट इज इम्पोर्टेंट बेसिकली ये है इम्पोर्टेंट नोबल मैन है ये अगर नोबल मैन को कोई गिफ्ट लेके आना है तो वो गिफ्ट जो है वो स्लेव का गिफ्ट होना चाहिए फिर स्लेव जो है वो अल्टीमेटली दीवान ए बंदागन के पास जाते थे एंड दीवान ए बंदागन जो वो डिसाइड करता था कि कौन सा स्लेव है उसको बेसिकली डोमेस्टिक वर्कर बनाना है या फिर इनकी फैक्ट्रीज दैट इज कारखाना में लगाना है या फिर उसको मर्सिनरी बनाना है मर्सिनरी का मतलब होता है ऑब्वियसली उसको बेसिकली सोल्जर बनाना है तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए दीवान बंदागन इसने बनाया था एंड फिर वही सारी चीजें यहाँ पे लिख के रखिए पहले तो उसने बोला कि भाई मुझे गिफ्ट देना है देन ऑब्वियसली क्या करोगे सिर्फ स्लेव का गिफ्ट दोगे स्लेव इनके पास जाएंगे ये डिटरमाइन करेंगे कि भाई उसको कौन से वाले एरिया में हम लोगों को लगाना है एंड दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू दी स्लेव रिलेटेड मेजर्स ऑफ द फिरोज दाहर आफ्टर एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी देन ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी जो है इसी के पीरियड ऑफ टाइम में सारी की सारी डिटेरियेट हो गई सबसे पहले तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इन्होंने बना के रखी थी दैट इज अलाउद्दीन खिलजान मोहम्मद बिन तुगलक वो पर्टिकुलर पॉलिसीज गिव अप कर दी सबसे पहले तो कैश पेमेंट दर आफ्टर फिर दाग एंड आफ्टर चेहरा सिस्टम तो ये सारी जो सिस्टम जो है ये इसके टाइम पर डिसयूज में पड़ गई क्यों बिकॉज ऑब्वियसली उसने अब हेरेडिटरी इकतेदार या फिर हेरेडिटरी इकता दिया था एंड फिर हर एक इकतेदार को अपने अंडर आर्मी मेंटेन रखनी पड़ती थी एंड दैट्स फिर सुल्तान जो है उसने स्टैंडिंग आर्मी रखना बंद कर दिया एंड इकतेदार के भरोसे अपना राजपाट जो है वो चलाने लग गया एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम वॉज जिसके वजह से अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है वो कोलेप्स हो गया एंड फिर सिस्टम में अल्टीमेटली करप्शन आया करप्शन उसको पता भी था बट स्टिल उसके लिए भी उसने एज सच कोई मेजर जो है वो नहीं लिए एंड अल्टीमेटली फिर इसी के वजह से जब हम फिरोज शाह तुगलक का जब असेसमेंट जब करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें ये सारी चीजें जो आपको आनी चाहिए कि कि जैसे के बारे में यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछ लिया था ही इज़ अ रियल फाउंडर तो वैसे यूपीएससी वापस से पूछ सकता है कि असेसमेंट ऑफ द फिरोज शाह तुगलक तो एज अ कॉन्कोर ही वॉज ऑब्वियसली वीक जनरल एंड इनकॉम्पिटेंट क्यों बिकॉज ऑब्वियसली टू बेंगाल वन सिंध कैंपेन जो है ये बेसिकली इसका फेल गया

हिंदू रिलीजन या फिर प्रॉपर लोगों को दिखाई दिया है तो दिस इज वी कैन टॉक अबाउटियस मैन अबाउट भी है एक दो ही याद रखना एक ही बताऊंगा तो फॉर एग्जाम्पल उसने जो है बंगाल के अराउंड जब उसका कैंपेन चल रहा था तो एक ब्राह्मण को उसने जिंदा जला दिया था बिकॉज दैट ब्राह्मन कन्वर्जन ऑफ अ इस्लामिक पर्सन इन टू हिंदुइज्म दूसरा भी इंस्टेंस है कि जब उसने जिजिया के बारे में सबसे पहले बात की थी 60, 13, uh, 63, 64 के अराउंड तो उस टाइम पे दिल्ली के जो ब्राह्मण थे वो रिवॉल्व कर गए थे कि भाई आपने जिजिया लगाया हम नहीं मानेंगे बट अल्टीमेटली सुल्तान और क्वाइट इट वहमेंट कि अगर ये नहीं मानेंगे देन इनको फांसी पे चढ़ाओ एंड इन इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज हुआ था जहां पे जो बड़े ट्रेडर है दिल्ली के जो बड़े वैश्य ट्रेडर है उन्होंने अल्टीमेटली ये बोला कि भाई जो ब्राह्मण के अलग ब्राह्मण के ऊपर जो जिजिया आपने लगाया है वो हम पे करेंगे एंड तब जाके सारी चीजें जो है वो शांत हुई तो इनटॉलरेंट एटीट्यूड है अगेंस्ट हिंदू यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दिया है सिमिलरली जब वो सिंध कैंपेन पे गया था तो सिंध कैंपेन के टाइम पे सिंध वाला एरिया है वो ऑब्वियसली पर्शिया के करीब है शिया लोगों से भरा हुआ है तो वहां पर उसने शिया लोगों का परसिक्यूशन जो है वो किया था एंड स्टाउन इस्लामिक पर्सन है तो काजिम उमा का इन्फ्लुएंस बढ़ाना दर आफ्टर कुरानिक प्रिंसिपल फॉलो करना दर आफ्टर नॉन कुरानिक टेक्सेस जो उसको निकाल देना तो ये सारी चीजें जो है स्टाउंच इस्लामिक पर्सन है है ये भी बेसिकली प्रूव करती एंड एज अ रूलर फिर अल्टीमेटली वी कैन कंसिडर अ गुड रूलर दैन यस ही उसने एक दीवाने खैरात नाम का डिपार्टमेंट बना के रखा था जो बेसिकली ग्रांट जो है वो देता था बट ये जो ग्रांट जो है वो मुस्लिम लोगों को मैक्सिमम मिली थी हिंदू लोगों को कम मिली थी एंड नॉट अ गुड रूलर में ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी जो है इसी के पीरियड में कोलैप्स हुआ कैसे कोलैप्स हुआ तो सबसे पहले आपने इकता हेरेडेटरी कर दिया सेकेंड जो डाक चेहरा सिस्टम थी उसको आपने यूज करना छोड़ दिया आपने स्टैंडिंग आर्मी जो है वो भी छोड़ दी एंड अल्टीमेटली अपने पूरा का पूरा एम्पायर का रिलायंस जो फ्यूडल लॉर्ड मतलब इकतेदार जो है उनके ऊपर आपने बढ़ा दिया एंड दैट इज बेसिकली वी कैन कंसीडर कि उसके जो ड्रॉबैक जो थे उसके वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ पूरा का पूरा जो सिस्टम से पूरा पूरा का जो 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 है है और वो हो गया फिर कि तुगलक का जो बेसिकली पूरा का पूरा जो फॉल हुआ उसमें लेटर तुगलक के बजाय ये पहले के दो तुगलक है वही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है सबसे पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हर एक सेक्शन को क्या किया था अपसेट किया था जिसमें पीजेंट सेक्शन अपसेट हुआ राइट फिर जिसमें आमिर दैट इज नोबिलिटी जो है वो भी बेसिकली अपसेट हुई एंड फिर कंजर्वेटिव सेक्शन दैट इज काजी एंड उलेमा भी अपसेट हुआ इसी को बेसिकली अपीज करने के लिए फिर अल्टीमेटली फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया पीजेंट के लिए उसने अपनी रेवेन्यू डिमांड जो वो फिक्स रखी जिसके वजह से ट्रेजरी के ऊपर बर्डन पड़ा एंड ट्रेजरी के ऊपर बर्डन पड़ेगा देन ऑब्वियसली आपका फाइनेंस जो है पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा फिर आपने आमिर के लिए जिसके से में हुई, बड़ी -बड़ी, वो वाली अभी आपने इस्लामिक रिलीजन में लाके रख दी एंड फिर इसमें आपने एक और चीज कर ली कि इनके अंडर आपने सारी की सारी आर्मी डाल दी एंड स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन रखना आपने छोड़ दिया तो दैट वाज दी प्रॉब्लम अगेन शाह तुगलक ने किया एंड फिर काजी एंड उलिमा को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए आपने कुरानिक प्रिंसिपल जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड जब आप कुरानिक प्रिंसिपल इंडिया में इम्पलीमेंट करोगे तो उसके दो एस्पेक्ट रहेंगे सबसे पहले तो आपने काजी एंड उलेमा की पोजीशन स्ट्रेंथन कर दी अब इसको रिवर्स करने के लिए आपको कोई तो एक तो बड़ा किंग ही लगेगा एंड सेकेंड थिंग जो है आपने जो मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन को जो खुश करने के लिए अग्रेरियन मेजर किए थे उसका बेसिकली काउंटर था एंड जिसकी वजह से फिर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है वो पॉपुलेशन अगेन आपके अगेंस्ट चली गई एंड बिकॉज था सल्तनत का वो सिस्टम हॉलो बन गया था, And यही जो अल्टीमेटली इसके सक्सेसर हैंडल नहीं कर पाए एंड अल्टीमेटली जब नेक्स्ट ग्रेट मंगोल इन्वेजन इंडिया के ऊपर हुआ दैट इज तो तिमूर के इन्वेजन में अल्टीमेटली इंडिया जो है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया

अबाउट द न्यू कोर्स ऑब्वियसली आज ही लॉन्च हुआ है ये अर्ली मॉर्निंग में प्री प्लस मीन जीएस का फाउंडेशन कोर्स है तो अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर द सुनर यू स्टार द बेटर इट विल बी फॉर यू एंड फिर पूरा फाउंडेशन इसमें कवरअप होगा ये मेरे ओपन सेशन तो चल ही रहे हैं बट इसका पेस थोड़ा सा जल्दी जल्दी होता है राइट चैप्टर वाइज मैंने इसको ब्रेक डाउन करके रखा है दिस इज वेर मिनिमम बट हिस्ट्री के लेक्चर्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ही लूंगा इलेबोरेट मैनर में होंगे थोड़े धीरे चलते हैं वो भी मिलेगा सो पोटेंशियल कॉम्बिनेशन फॉर यक्सेस जो आपको लगेगा इनिशियल फेज पे वो सारी की सारी चीजें ये कोर्स में बेसिकली हम लोगों ने सिक्योर करके रखी है पहले वाले लेक्चर में अब मैं बहुत बोल भी चुका हूं इसके बारे में बट इन अगेन जाते जाते माई हम्बल सजेशन टू यू की ज्वाइन द कोर्स इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू एंड इट इज अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ यू यूज माई कोड दैट इज एस एन लाइव तो आज ही लॉन्च हुआ है बेसिकली एक दो दिन ओरिएंटेशन ही चलते हैं सो स्टिल दर इज अ टाइम ये बैच हार्डली एक दो तीन दिन में भी हम लोग बंद भी करवा देंगे ओके एंड अगेन जाते जाते ओके यू विल गेट द पीपीटी एज वेल एज क्रक्सी वाली जो पीपीटी है थोड़ा सा लेट ही अपलोड हो पाएगा अभी बट चलो इन एनी केस वी कि एटलीस्ट आधा आधा घंटा लेके गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो दिस इज समथिंग दैट वी विल बी डून ओके सो ना आई बी स्टॉपिंग ओवर हियर ओके डाउट लेते हैं प्री के लिए नहीं मेंस के लिए भी सफिशियंट right? so, well है वो सफिशियंट है ठीक है खुद ने बनाया था इन दैट कैपेसिटी वो एम के अंडर जाएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसी ने बेसिकली जौनपुर का अर्लियर फाउंडेशन किया था एफ ने तो उसको बाद में बढ़ाने का काम किया है ओके या ओके सो गुड इवनिंग यार रिकॉर्डेड सेशन तो अवेलेबल है राइट सिंपल है ओके बंटी पहले वाले लेक्चर देखने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू एबल टू अंडरस्टैंड एंड सेकेंड थिंग मैंने पहले से बोल के रखा है कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में लेक्चर चलने वाले राइट एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एक विजन होता है दैट इट इज अफोर्डेबल एजुकेशन इन बेसिकली ऑल पॉसिबल लैंग्वेजेस तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश ही यूज करते हैं दैट इज हिंदी एज एज वेल इंग्लिश तो ये दोनों लैंग्वेजेस यूज होंगी एंड इन दोनों लैंग्वेजेस में ही हमारे लेक्चर जो है वो चलते हैं तो इसके लिए लैंग्वेज वाला पंगा तो आना ही नहीं चाहिए यार राइट अब कोई नया थोड़ी ऑलमोस्ट अभी एक नालीस से ज्यादा लेक्चर हो चुके हैं हमारे ओपन राइट सिंपल एंड नहीं समझ में आ रहा है देन दो चीजें एक तो आप समझना नहीं चाहते या फिर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे है या फिर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है देन स्पेसिफिक डाउट पूछो देन वी कैन टॉक अबाउट इट यार सिंपल है ठीक है ओके मीडियावेल huh. hmm. का जो लिटरेचर है बेसिकली इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट ही कवरअप करवाऊंगा मैं रीजनल लिटरेचर तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं सिर्फ सल्तनत वाला लिटरेचर इंपॉर्टेंट है तो सल्तनत जैसे ही हमारा खत्म होगा ऑब्वियसली तो फिर सल्तनत की इकोनॉमी सोसाइटी एंड आर्ट एंड कल्चर भी करेंगे राइट वो भी पूरा ट्रेंड जो है वापस वापस तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको एंशंट के लेक्चर भी हम लोगों ने वैसे ही कवरअप किए थे पहले किंग 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 देखेंगे

ये तीन बुक आपको करने पड़ेंगे इसके रीजन भी है कि 700 से लेके 1200 हंड्रेड का जो अर्ली मिडियल वाला पीरियड है जो ऑप्शनल का बच्चा मिस कर देता है एंड इसी की वजह से फिर खड्डे में भी जा गिरता है तो वो वाला पीरियड तो बी का इग्नो मटेरियल से ही कवर होने वाला है दूसरी चीज है सतीश चंद्रा पार्ट वन एंड पार्ट टू जो है ये एक्सेसिव फोकस है सिर्फ सल्तनत एंड मुगल्स के ऊपर एंड वो भी सिर्फ पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ही कवर अप करवाते हैं तो आपको सोसाइटी इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर के लिए बीए का इग्नू का मटेरियल ही पढ़ना पड़ेगा सल्तनत के अलावा फिर बहामनी आफ्टर फिर आपका जो ये वाला पीरियड है, तो है वो भी इग्नू के, के मटेरियल में ही अवेलेबल है तो आपको ये तीनों बुक पढ़नी पड़ेगी एकदम थोड़ोली तब जाके कहीं ऑप्शनल अप होगा ओके ठीक है मॉडर्न इंडिया यार मैंने आपको पहले भी बताया था मॉडर्न इंडिया इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा दैट नॉट टोटली डिपेंड upon the टाइम पहले ये वाली सीरीज खत्म होने दो ये खत्म होने के बाद डिसाइड करेंगे कि मॉडर्न करना है नहीं करना उतना टाइम है कि नहीं ठीक है सिंपल ओके सी ए पी एफ के लिए वही है राइट right? मैंने आपको बोला था कि ऐसे कोई सवाल हो गए तो पर्सनली डाल दे इंस्टाग्राम पे ओके okay? वहां पे फिर बात करेंगे ओके नॉट ओवर ही चलो आई होप एवरी इज क्लियर ओके एनी थिंग एज गाइज और कोई अगर डाउट रहेगा तो फिर बताओगे hmm.

तो जितना मैं बता रहा हूं उसी में से आएगा फिर उससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऊपर ऊपर से ही पढ़ाऊंगा मैं सही एंडर आफ्टर फिर लोदी बट जितना इंपॉर्टेंट है उतना तो बेसिकली कवर अप करवा लेंगे सो दैट विल बी पार्ट फोर ऑफ द चैप्टर सेवन जो कल करेंगे अगेन टाइमिंग विल बी सेम थ्री फिफ्टीन के अराउंड ही ओके okay? तो चलो आई गेस नो मोर डाउट्स आर देयर सो विल बी स्टॉपिंग द सेशन ओवर हियर ठीक है गाइज फिर मिलते हैं अगेन कल थ्री फिफ्टीन ओके थ्री फिफ्टीन विल बी द टाइमिंग इवन टुमारो सो आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ फिर कल मिलते हैं Thank you so much guys okay